इसके लिए भविष्य के लिए अभी बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी जब बन जाता है मकान तब फिर उसको तोड़ना या बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए ये योजना बनी है सरकार की, इस बार फंड भी ज़्यादा मिला है। तो यही ये किया गया था 2 फरवरी को स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में, सर्वसम्मति से मांग की गई थी। और अब DMFT फंड एक होता है जो जिले का फंड होता है, जिसमें कि जिला के सांसद विधायक और DC निर्णय लेते हैं। हमें उम्मीद है जो कि वो अभी अब इस जो DMFT फंड है उससे इस रोड को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए, इस रोड को 3 किलोमीटर मात्र है जिसमें कि ऑलरेडी निकाय का बना हुआ रोड है, फिर यहाँ सपावर स्टेशन के पास बना हुआ रोड है, और उसके बाद जो ज़मीन है यहाँ से वहाँ तक उपलब्ध है। तो ये अभी बन जाने से फिर नहीं होगा, ये सबसे सब लोगों को मिल कर करके सबसे पहले प्राथमिकता दे करके फंड्स के इसका सदुपयोग होगा। और यहाँ 57 साल से जो लोग प्लान बना था और उनके गांव घर तक नहीं बना था, और 8 साल पहले भी ये नगर निगम में मिल गया है, लेकिन निगम में यहाँ तक पहुँचने के लिए फुरनीडी वगैरह एरिया जहाँ पावर स्टेशन के लिए ज़मीन लोगों ने दी, वाटर टावर के लिए दी, वहाँ तक नहीं मकान बनाया जी, रोड नहीं दे पाए सरकार या कोई सांसद विधायक। ये दुखद है, चिंता का विषय है। इसीलिए सबसे आग्रह है कि इस फंड से या जिस फंड से हो, जिसमें चूंकि नगर निगम के जब मास्टर प्लान बन गया है तो जो 5 साल पहले ही नोटिफाइड करके सरकार ने दे दिया है, अप्रूव करके, और उसमें है प्रोविज़न जो कि जो 14 गांव हुए हैं उसमें इस तरह से जितने भी सरकारी विभाग हैं, PWD है, रोड है, बिजली है, जो भी है, पानी है, उन लोगों को अभी से उस एरिया में प्लान वे में उसको सीधा या ये करके बनना है जैसे कि आगे प्लान कॉलोनी बने। ये ड्यूटी था, वो कर्तव्य था, कानूनन था, लेकिन उसको छिपा के रखा गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, तो 5 साल बेकार चला गया। अब जबकि अब ये जरूरी है, और इस बार फंड में भी सेंट्रल बजट में आया है, तो इसके लिए आवश्यक है, अपील है, डिमांड है पूरे बोकारो की ओर से, जो कि अभी DC सांसद विधायक मेयर और CM इसको ये इस रोड को बनावे 60 फीट, जिससे मास ट्रांसपोर्ट आसान होगा। नहीं तो जो भीड़ होती है, जैसे उसमें अगर एक ही पुल हो जहाँ भगदड़ मच जाता है, वही हालत होगी यहाँ का। चास का एक पुल है, एक है उधर तेलमचू में, और यहाँ की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी जो इससे आने के लिए चास या किसी भी कुछ भी हो जाए उधर से लोग गुजर नहीं पाएंगे। तो ये बोकारो ऐसा शहर जब सुनियोजित है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है जो गढ़वा जा रहा था, 6 लेन बनारस का बन रहा है, अब टेंडर हो गया है, गडकरी जी भी परसों कल आए थे, यहाँ 4 लेन हो रहा है जैना मोड़ से। तो ये रोड अगर नहीं हुआ तो ये सारा का सारे लोगों का, सांसद विधायक DC या CM का, सबका ये कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा जो कि हम बोकारो को विकास किए या हम जमीन पर रह करके बहुत सारी योजना किए, भाषण से नहीं, जमीन पर काम कर। तो रिक्वेस्ट है मेरा अभिनंदन अधिकारी जी का, सभी सांसद विधायक बोकारो के और DC से, जो कि इसको और CM से भी, जो कि इसको प्राथमिकता दे करके इसको बनावें, जिससे कि ये हजारों लाखों लोग जो रहेंगे उनके लिए मास ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये तब बोकारो का भविष्य जो है, सो जो भी आएंगे यहाँ इन्वेस्टर्स या कोई होगा, जैसे पहले हजारों लाखों नौकरी मिली, व्यवसाय मिला, वैसे ही फिर मिलेगा। नहीं तो ये जाम होने के कारण किसी भी शहर में जब लोग जाते हैं तो कहते हैं अरे बाबा उसमें तो इतना जाम है जो निकलना मुश्किल है। हर एक के फाइनेंशियल पोजीशन पर घर में खर्चा होता है, परेशानी बढ़ती है, बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं हो पाता है, तो इतना जो खर्च हो रहा है इसका पैसा का कहीं और। सो इस DMFT फंड से या किसी और फंड से जो भी जाने DC सांसद विधायक, वो इसको बनावें, ये हमारी मांग है, पूरे सदन की मांग स्टेक होल्डर में थी 2 फरवरी को, इसीलिए इसको प्रायोरिटी के रूप में लिया जाए, यही निवेदन है। जय बोकारो, जोहार।